ये देखिए इसमें फिगर बनी है, ये ऑयल का लेवल ट्रांसफार्मर ऑयल ही डालना है इसमें, ये ध्यान रखिएगा और कोई ऑयल नहीं डालना है। ओके ये ऑयल डालेंगे हम यहाँ से, ये लेवल है इसका, रेड रेड में होना नहीं चाहिए, ग्रीन मतलब ग्रीन सिग्नल, रेड और ग्रीन के बीच में हो तो ओके है, ठीक। ग्रीन का कोई भी लेवल हो, हाई नहीं हो मतलब मिड लेवल, जैसे भी यहाँ से हम ऑयल डालेंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। ये हमारा इनलेट वाल्व है, ये एग्जिट वाल्व है। अब कनेक्शन देख लेते हैं, यहाँ से दो कनेक्शन देखिए लिखा हुआ है इस पर, अलार्म इंटरचेंज होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर ट्रिप लिखा है इंटरचेंज होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिप आ गए। ये फेज और न्यूट्रल इसको देने के लिए पंप इनपुट, पंप अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, पंप को एज ए लोड भी मान के चल रहे हैं कि ये हमारा लोड है मान लीजिए कहीं पे, ठीक है आगे लोड है। और दूसरा काम हम पंप से क्या करा रहे हैं, अब इसमें आग तो लगा नहीं सकते है ना, तो फ्यूम्स के लिए क्या है एयर चाहिए कुछ, या जो बबल्स जो बनते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं इससे एयर इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं, एयर धुआं क्या है एक एयर ही है, ठीक है। तो अब आर्टिफिशियल देना पड़ेगा आग से, उसे तो कर नहीं सकते, तो हमने यहाँ क्या किया जो इसका एयर इन होता है वहाँ पर हमने इसको डाल दिया, और जैसे ही इसका ऑयल का लेवल, अभी एयर दो काम करेगी, एक तो इसमें फ्यूम्स का इफेक्ट पैदा करेगी, दूसरा इसके ऑयल को फेंकेगी आगे धकेल देगी, तो ऑयल भी कम हो जाएगा और फ्यूम्स दोनों। अब क्या होगा ऑयल्स जो ऑयल है वो यहाँ से होता हुआ वापस इधर चला जाएगा, यानी इसमें ऑयल कम हो गया लेवल, तो ये क्या करेगा ट्रिप करा देगा, ट्रिप किसको कराएगा पंप को ट्रिप करा देगा। ये बेसिक है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये करंट मीटर, करंट मीटर क्या शो कर रहा है जो ये लोड ले रहा है, वोल्ट मीटर जो हमारा मेन का लोड वोल्टेज है, इसमें कोई रीडिंग नहीं है, जस्ट डेमोंस्ट्रेशन है। प्रिंसिपल का अच्छा बस उसका ये हमने किया, अब इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल डालेंगे जब करना पड़ेगा, ऑयल डालना पड़ेगा कि नहीं, एक बार हम डाल देंगे एक बार, ओके ओके इसी में पड़ रहा है, कहीं नहीं जाएगी वो, इसी में रिसाइकल होता रहेगा। बस वो ध्यान देने वाली बात कौन सा वाल्व कब खोलना है, ध्यान से डाल लो अपनी टेक में छोड़ी छोड़ी, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, इसका सिंपल सा लॉजिक है, हमने ऑयल यहाँ डाला, ये खुला होना चाहिए शुरू में, शुरू में ये हमारा एयर है, देखिए ये एयर है, इसमें जाएगा एयर, ये भी खुला होना चाहिए, ये हमारा बंद हो गया। अब हमने जो प्रेशर डालना है तो वहाँ से डालेंगे, खोलेंगे, ये प्रेशर खोलना है ऐसे, प्रेशर वाल्व, प्रेशर वाल्व, ठीक। यहाँ से जाएगा प्रेशर, यहाँ ये वाल्व खुला होना चाहिए जब आपने प्रेशर डालना है, अगर ये बंद हुआ तो क्या है एयर है, एयर का तो बहुत प्रेशर है, वो ये सब जॉइंट्स लीक हो जाएंगे, आप प्रेशर है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो ये ओके हैं, अगर ये बंद हुआ तो प्रेशर तो जाएगा कहीं ना कहीं, ऑयल को पुश तो करना पड़ेगा, ऑयल को ऑयल को पुश करना पड़ेगा, करेगा वो इन केस अगर ये बंद हुआ तो ऑयल आपका यहाँ से सब लीकेज लीकेज सब मार देगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ऑयल का प्रेशर तो वैसे ही, अब क्या ये देखिए ये बंद है, अगर ये बंद हुआ और आपने यहाँ तो जाएगा नहीं, यहाँ से प्रेशर इसमें आ रहा है, उल्टा तो जाएगा नहीं, इसी के अंदर जाएगा, ये बंद है उल्टा यहाँ से आ नहीं सकता है, ऑयल आगे जाएगा, आगे बंद है ब्लॉक है, तो ये क्या करेगा इधर से सब जगह से लीकेज हो जाएगा, तो आपने ये सबसे ध्यान रखना है कि ये ओपन हो, ठीक है ये ओपन है, ये बंद है हमारा, इसको हल्का सा खोल दें, इसको हमेशा एंटी क्लॉक वाइज में ना ओपन होता है और क्लॉक वाइज में क्लोज होता है, ये आपके गेट वाल्व होते हैं, गेट गेट वाल्व, वोल्टेज आ गई हमारी, अभी ये दोनों भी खुला हुआ है, ये बंद है, हाँ तो बंद है, बंद है, हाँ पंप की जगह लगने हल्का और ये ओपन है, क्योंकि एयर जाएगा पंप की, वो पंप की चेक कर रहा हूँ, ठीक है करंट लेगा जब पंप ऑन करेंगे टेस्ट स्विच, अभी ट्रिप है लाइन करंट नहीं है ऑन है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है, यानी मान लीजिए मेरा एक लोड है, ये ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल, मेरा लोड है, मैं जब काम करना है तो मैं इसको ऑन करूंगा, जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं ऑफ करूंगा। अब आ जाता है इसका फंक्शन, अब मैं इसमें फॉल्ट डालूंगा, यानी हमारा ट्रांसफार्मर मान लीजिए ऑयल
जो है खत्म हो गया या उसमें हैवी लोड जा रहा है, इसको बंद कर देंगे। ये बंद हो गया। अब क्या होगा, जब यहाँ एयर जाएगी तो ये यहाँ से रुकती हुई वापस इसमें आ जाएगी, ठीक है। शुरू में खुलना खुला हुआ है इसीलिए इसको ऑन किया। अब दूसरे बंद कर दिया, बंद कर दिया हमने। ये ओपन होना चाहिए, ठीक है। वो दोनों तो ओपन नहीं है, वो हल्का ओपन है, ये ओपन नहीं है, ठीक है। अब हम इसको ऑन करते हैं। अच्छा, इतने इसमें ट्रिप हो गया ना, कंडीशन हो गई हमारी। अब ऑयल दोबारा इसमें आ गया, इसको इसको खोल दो, इसको खोल दो, ऑयल भर जाएगा, ऑयल फिर वापस आ जाएगा, धुआं आ रहेगा। यहाँ तो खत्म हो गया, इसको बंद कर दो, बंद करो, बंद नहीं बंद करना, इसको खुला 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 रखना, और को वाला ये बंद हाँ, 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 ये खुल गया, इसको बंद करो, ऐसे खुलता है, ये बंद हो गया, क्लॉकवाइज बंद होता है, ये हमारा खुल गया, ठीक है। ऑन करो सर, लोड को ऑन करो अपने, ठीक है। अगर ये खुला रहेगा तो एयर जो है वो इजिली निकल जाएगी, अगर ये बंद, अब आपने थोड़ा थोड़ा इसको भी खोलने तेल आ जाए अपने आप, तेल तो इससे तो रिटेन है, रिसर्कुलेट आपका एयर आपका वहां से निकल जाएगा। अब यहां से एयर आपका आ रहा है ना, अगर ये बंद होगा मतलब ये खुला रहना चाहिए थोड़ा सा, ताकि वो एयर वो जो एयर है वो दोनों को ऐसे ही छोड़ दें, बिल्कुल सही। और नहीं बस अपने आप थोड़ा थोड़ा खाली ये दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। वॉल्व, ये वॉल्व जो है बंद नहीं होना चाहिए जब आप काम करेंगे। यानी मेन कहने का मतलब ये है, ये तारे हैं ना आपकी, ये कंडक्टिंग के साथ जुड़ी हुई है, जब तक इसके अंदर ऑयल है तो वो कंडक्टिंग पाथ दे रही है आपको ना ट्रिप के लिए, सीरीज में लगी है, और जैसी ऑयल गया तो ये हमारा दारे काम कर रहा है और ऊपर भी काम कर रहा है, ठीक हो गया आपका, ठीक है सर, ऑफ कर देंगे।